हेलो स्टूडेंट्स uh, कैसे हो आप सभी तो आप सभी को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देने के लिए मैं आज इस वीडियो में आया हूँ तो अभी सभी स्टूडेंट्स को अपने सी एस आर नेट जून टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री में जो एग्जाम हुई है उस एग्जाम का अपना खुद का स्कोर तो पता ही होगा और सब लोगों के सामने यही क्वेश्चन मार्क अब होगा कि मेरे मार्क्स इतने हैं बट मैं क्वालिफाई हूँगा या फिर नहीं हूँ इसकी अभी भी गारंटी नहीं है मुझे क्यों तो अभी स्टूडेंट्स को कट ऑफ के बारे में आइडिया नहीं है कि कितना एग्जैक्टली exactly कट ऑफ होगा और इसलिए आज के इस वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करने वाला हूं जो हमें लग रहा है कि आपके सी एस आर नेट एग्जाम में आए हुए मार्क्स को तो अगर हम देख लेते हैं तो कितने मार्क्स ऐसे हैं जो आप बोल सकते हैं कि सेफ स्कोर है आपके एग्जाम के लिए क्वालिफाई करने को तो आज का जो टॉपिक है व्हाट शुड बी सेफ स्कोर टू क्वालीफाई सीएसआईआर नेट जेआरएफ जून 2023 तो क्या लगता है स्टूडेंट्स आपको कितने मार्क्स होने चाहिए आपके इस एग्जाम के आपके स्कोर में और आपके आए कितने हैं कट ऑफ कितना है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स आपके सामने पड़े होंगे तो चलिए देखते हैं और बात करते हैं कि हमें क्या लग रहा है कि इतना मार्क्स अगर आपका जनरल कैटेगरी से आता है तो आप

105 या फिर उससे ज्यादा मार्क्स अगर स्टूडेंट्स लेके आते हैं ठीक है क्वालिफाई तो करने के उसी के साथ साथ एडब्ल्यू की अगर हम बात कर लेते हैं तो सौ के अराउंड जो जो स्टूडेंट्स स्कोर लेके आएंगे उनका आप मान के चलिए कि आपकी जेरियब जो है आपके हाथ में देने की देरी है बस बाकी सारी चीजें तय हो चुकी है साथ ही साथ अगर बात कर ले ओबीसी की तो ओबीसी का कट ऑफ और थोड़ा सा कम जाता है तो इसलिए तो स्टूडेंट्स आपकी जेआरएफ जो है वो तो मान के चले कि आपकी जेआरएफ एफ तय हो चुकी है और इसी के साथ साथ एससी एंड एसटी इसमें अगर 70 मार्क्स मतलब 35 परसेंट या फिर उससे ज्यादा स्कोर अगर आप लोग लेके आ रहे हैं तो आपका भी नंबर इस टाइम पे लगने वाला है एंड एट द एंड पीडब्ल्यू डी यहाँ पे तो फिलहाल सबको ही पता होता है कि ट्वेंटी फाइव परसेंट हमेशा इनका रिजल्ट लगता है फिर भी हम ऑन एन एवरेज और थोड़ा सा स्कोर बढ़ा के बात कर लेते हैं कि फिफ्टी फाइव मार्क्स अगर कोई भी पीडब्ल्यू डी कैटेगरी से फॉर्म फिलअप स्टूडेंट लेके आता है तो फिर वो जो स्टूडेंट से वो स्टूडेंट इस टाइम पे सी एस आर ने जो है उसका सर्टिफिकेट यहां से लेके जाने वाला है तो ये था हमारा प्रेडिक्शन आपको क्या लगता है ये आप भी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताए कि आपको क्या लग रहा है कि जनरल कैटेगरी में कितना स्कोर जो है वो सेफ होगा ईडब्ल्यूएस में कितना होगा ओबीसी में कितना होगा एससी एस पीडब्ल्यूडी हर एक कैटेगरी में आपको क्या लग रहा है कि चलो इतना स्कोर अगर कोई स्टूडेंट लेके आता है तो मान के चले कि ये जो स्टूडेंट है वो पक्का सीएसआर नेट जी इस टाइम पे लेके ही जाए तो मिलते हैं स्टूडेंट जल्द ही किसी नई और वीडियो में जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होगी और आपके करियर के लिए भी इंपॉर्टेंट होगी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर लीजिए एंड लर्निंग थैंक यू